देख रहे हैं हेडलाइंस डेली एचडी न्यूज। हाय, मेरा नाम है तुषार पांडे और आप देख रहे हैं एचडी न्यूज। हाय, मैं हूं दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं एचडी न्यूज। हाय, मैं हूं बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं एचडी न्यूज। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम विश्वविद्यालय द्वारा दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित की गई। भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद ICSSR भारत सरकार देश में सामाजिक विज्ञान में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए प्रयासरत है। इस संबंध में आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम विश्वविद्यालय के महाविद्यालय कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज के द्वारा जाल सभागृह साउथ तुकोगंज इंदौर में दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित की गई। संगोष्ठी का विषय आत्मनिर्भर भारत के लिए ग्रामीण भारत में स्टार्टअप उद्यमियों के रूप में भारतीय महिलाओं की भूमिका और चुनौतियां विषय पर विस्तार से अनुभवी अतिथि वक्ताओं ने वर्तमान और भविष्य पर अपने अनुभव इस संगोष्ठी में साझा किए। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर रेणु जैन कुलपति DAVV इंदौर के आतिथ्य में हुए और मुख्य वक्ता रुजन खम्बाटा प्रोपराइटर सुजन खम्बाटा डॉक्टर प्रियंका मोशमार मैनेजिंग डायरेक्टर वायु होम अप्लायंसेस प्राइवेट लिमिटेड विजयनगर इंदौर डॉक्टर अनुरेखा जैन फाउंडर अनोखी मानव सेवा समिति मंदसौर मध्य प्रदेश ER अमृता पवार जीवोर्जा ओनर एंड स्टार्टअप फाउंडर सुखलिया इंदौर मध्य प्रदेश क्षमा जैन मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ KM's टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड खंडवा मध्य प्रदेश सीमा मिश्रा ट्रेनर एंड एंटरप्रेन्योर प्रोपराइटर माहेश्वरी क्रिएशंस धामनोद जुलाधार। इन मुख्य वक्ताओं ने देश और उसके नागरिकों को हर मायने में स्वतंत्र और आत्मनिर्भर बनाना आत्मनिर्भर बनने वाले राष्ट्र के लिए महिलाओं के महत्व पर जोर देना महिला उद्यमियों की स्थिति के उत्थान के लिए उपाय सुझाना समावेशिता टीम वर्क सामाजिक अनुवाद को चैंपियन बनाना और एक खुशहाल और आत्मनिर्भर भविष्य के लिए नींव का निर्माण करना उच्च शिक्षा और करियर के अवसरों रास्ते के अवसरों के बारे में जागरूकता बढ़ाना जैसे महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में बताया गया। इस कार्यक्रम में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम विश्वविद्यालय के कुलाधिपति डॉक्टर श्रुति कुमारी कुलपति डॉक्टर दीपिका पाठक उपकुलपति डॉक्टर राजीव विश्वकर्मा कुलसचिव डॉक्टर राकेश जाटव प्राचार्य डॉक्टर सुशील संयोजक डॉक्टर नेहा चौरसिया एवं सभी माननीय संकाय सदस्य के मार्गदर्शन में संपूर्ण हुआ। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा ये जो दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया है ये मुख्यतः जो हमारी महिलाएं हैं महिला उद्यमी जो बनने वाली हैं जो बनना चाहती हैं उनके ऊपर है जो उनकी भूमिका है जो उनके चुनौतियाँ हैं उनको हमने केंद्रित किया है जिसके ऊपर हमारे 6 स्पीकर हैं जो बहुत ही विद्वान हैं और एक्सपर्ट हैं इन संबंधों में। अभी जो हमारी मुख्य वक्ता है वो है रुजन खम्बाटा जो कि अहमदाबाद से आई हैं जिन्होंने 1091 का वो किया है स्टार्ट किया है जो पुलिस डायरी के लिए महिला उत्पीड़न रोकने के लिए जो बहुत उपयोगी हुआ है वो उन्होंने बताया कि उन्होंने अपना एंटरप्रेन्योर कैसे स्थापित किया और जो महिलाओं को भूमिका और चुनौतियाँ स्वीकारने में जो सामर्थ्य की जरूरत होती है उसे कैसे निर्वाह किया जाए इस पर ये है। और हमारे बाकी बहुत सारे जो MSME से जो स्पीकर हैं उन्होंने भी मध्यम उद्योगों का जो निर्माण किया है उन सब चीज़ों को संचालित करने के लिए जो भी चुनौतियाँ आती हैं उनसे निपटने के लिए जो साहस सामर्थ्य और जो विवेक और ज्ञानशीलता और कौशल की आवश्यकता है उन सब चीज़ों के विकास के लिए यह हमारा दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजन का शुभारंभ कल इसका समापन ही रहेगा क्या क्या समापन पर क्या कार्यक्रम आज जो है आज के हमारे मुख्य वक्ता थे सकलिका जी जो सूक्ष्म उद्योग मंत्री थे बागवान अभी द्वितीय उसमें है द्वितीय प्रखर में अभी जो कल का हमारा आयोजन है उसमें हमारी डॉक्टर रेणु जैन है जो वाइस चांसलर है DAVV की उनका रहना है और वैलिडिटी सेशन में हमारे जो प्रमाण पत्र हैं जो प्रतिभागी हैं जो प्रतियोगी हैं उन्हें